हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और जिस खबर का इंतजार था ओके okay, वो खबर एक्चुअली आ चुकी है और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी एफ uh, से रिलेटेड आपको बताया था कि यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल uh, यहाँ पर स्प्लिट uh, होने वाला है तो वहां पर आपको अलग से स्टॉक्स uh, मिलते हुए नजर आएंगे या तो एक के बदले पांच या एक के बदले दस तो यहाँ पर न्यूज़ आ गई है तो हम उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट फॉर एवर को जो कि आपका खुद का चैनल है और हमारे वीडियोज़ को देखिए देखिए मैं हमेशा देखता हूँ जब जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको अच्छी न्यूज़ बताता हूँ या फिर जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये शेयर आगे भागता हुआ दिखाई देगा वहां पर आप लोग कम देखते हैं और वो

भागेगा यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा तो यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ यह चीजें हैं इन चीजों इन सिक्स वेज यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ इजीली इन स्टॉक मार्केट ये देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताया गया है जो कि आपको अगर बात करें स्टॉक मार्केट की जर्नी को चेंज कर सकता है तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं इस वीडियो से आ, तो सबसे पहले तो हम न्यूज की तरफ चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम हमने आपको बताया कि स्प्लिट होने वाला है तो यहाँ पर स्टॉक एक्चुअली स्प्लिट हो गया है तो यहाँ पर हमने लिखा था वन की जगह एक की जगह दस ये एक की जगह पांच तो यहाँ पर एक की जगह पांच शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर देखिए सब डिविजन ऑफ द कंपनीज़ वन इक्विटी शेयर ऑफ़ फेस वैल्यू टेन ईट इंटू फाइव इक्विटी शेयर मतलब एक की जगह आपको पांच मिलेंगे और इसका जो फेस वैल्यू जो दस है वो दो में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एंड अदर अप अप्रूवल एज मे भी रिक्वयर्ड एंड पोस्ट अप्रूवल ऑफ़ द शेयर होल्डर ऑफ फॉर द स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड डेट एंड सेम शेल बी अक्टूबर एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड uh, डेट क्या है यहाँ पर आठ अक्टूबर मतलब अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है अगस्त सितम्बर अक्टूबर तो लगभग लगभग यहाँ पर आपके पास डेढ़ महीने हैं ओके मोर देन फोर्टी फाइव डेज है तो यहाँ पर uh, Within particular, 45, 40 days के आसपास है, तो तो पर पर ये ये होता हुआ नजर आएगा, okay, share, तो यहाँ पर इस शीट को को याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स डेट होती है एक्स डेट से पहले आपको जहां पर आपको परचेज करना होता है तब अगर उस पीरियड से पहले आप यहाँ पर शेयर को परचेज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा अगर आप उसके बाद यहाँ पर परचेस करेंगे या फिर एक्स डेट में परचेस करेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा तो अगर हम बात करें आठ अक्टूबर की तो वो फ्राइडे है तो आपको शेयर यहाँ पर छे छह तारीख को यहाँ पर खरीदना पड़ेगा जो की वेनर्सडे को आपको पड़ेगा बट यहाँ पर शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए आपको फायदा होगा या नहीं आपको पोजिशन ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीजें जान लेते हैं देखिए ये शेयर यहाँ पर बासठ बा, सौ पिचासी रुपए पे जाता हुआ दिखाई दिया था वीक हाई जो कि पांच मार्च को था उधर से कंटिन्यूटी के साथ गिरता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर लगभग अड़तीस सौ उनतालीस सौ के आसपास यहाँ पर शेयर आता हुआ दिखाई दिया स्प्लिट की न्यूज यहाँ पर आपको आप, आप, आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ पर देखिए बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको बताऊंगा और कुछ और चीजें भी बताता हुआ नजर आऊंगा जो कि हम यहाँ पर देखेंगे देखे तो देखिए फिफ्टी नाइन पॉइंट एट नाइन परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ ये जो एफ एल इंडिया जो शेयर है ओके वो है ए एस एम की लिस्ट में अगर मैं आपको ए एस एम की लिस्ट होती क्या है यहाँ पर विजिलेंट किया जाता है ओके okay, कि शेयर कौन सा ज्यादा भाग रहा है आ, कोई ऑपरेटर उसे मैनुपुलेट तो नहीं कर रहा तो उसमें यहाँ पर अलग अलग, अलग, अलग स्टेज पर दे देते हैं तो एफ एल इंडिया यहाँ पर उस लिस्ट में चल रहा है और वो भी फोर्थ स्टेज पर चल रहा है सबसे पहली बात यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एफ इंडिया डाल देते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये शेयर तो देखिये यहाँ पर ये यह दे रखा है स्टेज फोर एस एम लिस्ट पर स्टेज फोर पे चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए यहां पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एफ आई सी होल्डिंग एफ तो आई की होल्डिंग अगर हम देखेंगे नमूरा तो यहाँ पर एक नमूरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड okay, तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले का मतलब समझ लीजिए दो महीने या तीन महीने पहले यहाँ पर इसने डाउनग्रेड किया था, था स्टॉक्स को यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया था और मतलब खुद यहाँ पर डाउनग्रेड करके यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो नमूरा ने के पास वन की शेयर होल्डिंग थी तो इसने इस क्वार्टर में जो कि अभी चल रहा है यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है जब यहां पर शेयर नीचे आया तो यहां पर कभी भी यहां पर इनकी चीजों को सुनना चाहिए देखना चाहिए बट हमें बिलीव नहीं करना चाहिए कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते थे कि इन्होंने बताया नीचे आया तो यहाँ पर इसी ने उसी शेयर को यहाँ पर बाइंग करते हुए देखा तो हमें भी ऐसे में बिलीव करके और जब स्टॉक्स अच्छे हो ना तो हमेशा यहाँ पर ऐसी चीजों को यहाँ पर खरीदना चाहिए यहाँ पर हमने इतनी बार वीडियो बनाई है और आपको बताया कि इस स्टॉक्स को बाई करे बाई करे बाई करे क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टॉक्स है और इतने नीचे लेवल पर मिलने वाला नहीं है और इसके बेहतरीन स्टॉक्स कैसे है सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल इस ये जो मोबाइल uh, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड एक अलग सी मोनोपोली क्रिएट करता हुआ नजर आता है स्टॉक्स तो एक तो ये चीज

इसके अलावा यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले चार साल का परफॉर्मेंस आपके सामने है कंपनी किस तरीके से यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है तो अभी पिछले बारह महीने की ही यहाँ पर सेल्स देखे तो पाँच करोड़ के आसपास की सेल्स है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाइएस्ट लेवल है वन फिफ्टी टू तो हाएस्ट लेवल यहाँ पर नंबर पोस्ट हो गए हैं रिजर्व की बात करें रिजर्व्स अच्छे खासे है बॉरिंग की बात करें कंपनी ने यहाँ पर अभी इस साल में थोड़ा सा बॉरिंग यहाँ पर बढ़ा ली है कुछ काम के लिए शायद यहाँ पर पैसे लिए होंगे फिक्स एसेट की बात यहाँ पर इतने पैसे है कि यहाँ पर बॉरिंग को चुका सकते हैं चार सौ एक करोड़ की फिक्स एसेट है सत्ताईस करोड़ से चार सौ एक करोड़ मतलब देता है कैश फ्लो uh, के फॉर्म में एज वेल एज यहाँ पर आरोपी भी देखिए थर्टी नाइन परसेंट की आरोपी है यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी सारी यहाँ पर प्रोमोटर्स की होती हुई नजर आई है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके अलावा

करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए एक बार इससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्टॉक्स में आज लगा है अपर सर्किट अब कब तक यहां पर अपर सर्किट लगेगा अपर सर्किट ओपन होगा या नहीं होगा और अपर सर्किट ओपन होने का क्या शेयर यहां पर क्योंकि मोस्टली चांसेस ऐसे भी होते हैं कि जब अपर सर्किट लगते हैं ना तो फिर वहां पर आ, एंड लोअर सर्किट के साथ ही चीजें यहाँ पर दी जाती है बट अगर कभी यहां पर मौका मिलता है यहां पर सर्किट एक आध दिन में शायद आज न्यूज बेस पे यहाँ पर लग गया हो और यहाँ पर शायद कल की डेट में दोबारा ओपन होता हुआ दिखाई दे तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है पहली बात और दूसरी बात हमेशा जब भी इस तरीके की न्यूज आए तो एक से डेढ़ महीने अगर बात करें थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पर चीजें ना कंसोलिडेट भी करती है कभी कभी अच्छे स्टॉक्स में तो ये ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज्यादा गिर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक्स यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर चांसेस ये रहेंगे

कल की डेट में ओपन होता है तो आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं क्योंकि शायद थोड़ा बहुत उस टाइम तक यहां पर ऊपर जा सकता है बट बर... अगर अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लगता रहेगा तो आप य पर बाइंग मत करिएगा क्योंकि जब स्टॉक स्प्लिट होगा तब भी पर पर एक थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है इस शेयर में लिए 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 में बट हम इससे रिलेटेड बाद बात करेंगे करेंगे डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए अभी अपर सर्किट है लगे रहने दीजिए अगर कल अपर सर्किट यहाँ पर ओपन होगा आई विल अगेन मेक अ वीडियो और आपको बताऊंगा डूरिंग द मार्केट भी अगर मुझे चांस मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए शेयर काफी बेहतरीन है वन रेशो फाइव का यहाँ पर यहाँ पर आप आप, आपको स्प्लिट मिल चुका है आपके पास एक शेयर है तो पांच हो जाएंगे सौ शेयर है तो पांच सौ हो जाएंगे हजार शेयर है तो पांच हजार हो जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे आपको बताया जाए आपको सिखाया जाए थैंक यू सो मच गॉड प्लेस